नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं अर्पित आनंद व्लॉग। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूं एक न्यू अपडेट लेकर नवादा डबल लाइन का। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि कैसे स्लीपर्स लगना स्टार्ट हो चुका था और आज के इस वीडियो में आपको स्लीपर से आगे का क्या क्या काम हुआ है वो आपको इस वीडियो में आज देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ गोनामा के साइड और यहाँ से आपको पटेल नगर तक का आज अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी मैं हूँ गोनामा की साइड और गोनामा का साइड का यदि आप काम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लगभग लगभग पूरा हो चुका है। इधर पटरी भी पूरा बिछ चुका है और इधर देखिए इलेक्ट्रिक वायर भी लग चुका है। देखिए गोनामा तक यहाँ तक लग चुका है और अभी पटेल नगर इलेक्ट्रिक वायर नहीं गया है क्योंकि दो तीन दिन होली था जिसकी वजह से ये काम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। सारे स्टाफ लोग घर गए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा काम में ढिलाई आया है। तो दोस्तों अभी मैं गोनामा से लगभग 1 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ यानी कि नवादा के साइड जा रहा हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो अभी स्लीपर्स लगना स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर अभी स्लीपर्स ऐसे बिखरा हुआ है लेकिन अभी लगा नहीं है, ना ही अभी पत्थर को बिछाया गया है। और उधर देखेंगे तो उधर भी स्लीपर्स लगभग अभी नहीं लगाया जा चुका है, हल्का फल्का देखिए साइड में लगाया गया है। और इधर देखिए इलेक्ट्रिक वायर है जो कि यहाँ तक लगाया जा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे वर्कर्स लोग कितना मेहनत कर रहे हैं इस कड़कड़ाते धूप में। देखिए यहाँ पर भैया देखिए पकड़े हुए, क्या नाम है आपका भैया? अष्ट महतो। कहाँ से हैं आप? बंगाल से, वेस्ट बंगाल मालदा। ओह मालदा। और देखिए यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, क्या नाम है आपका? आपका सब कहाँ से, आप लोग कहाँ से? बंगाल से। सब बंगाल से। वाह क्या मेहनत कर रहे हैं, देख लिए। और ऊपर देखिए एक भैया चढ़े हुए, भैया आपका नाम क्या होगा? बिपुल। कहाँ से? बंगाल से। वाह कैसा लग रहा नवादा? अच्छा लग रहा है ना। ये बताइए इतना जो काम कर रहे हैं आप लोग को डर नहीं लगता है, इतना जान का जोखिम डालकर करते हैं? नहीं डर तो लगता है सबका, सब तो क्या कर रहे, मजबूरी है। मजबूरी है ना, मजबूरी से तो कर रहा है ना, मजबूरी है करना तो चाहिए। ऐसा कभी हुआ कि नहीं आपके साथ हादसा? कुछ हादसा तो मेरे साथ इधर पे नहीं हुआ, दूसरा साइड से हुआ है। हुआ है, हुआ है पूरा। इसमें कारण आ जाता है, उसमें क्या जल जाता है पूरा, 25,000 का वोल्ट है, आदमी जल जाता है। आम आदमी जल जाता है। ओ भाई साहब पूरा का पूरा, ये तो शरीर भी इतना जल जाएगा उसमें पता ही नहीं चलेगा कौन से आदमी है, है ना। तो दोस्तों देख सकते कितना ये लोग सारे वर्कर्स भाई अपना जान का जोखिम डाल कर ये सारे काम को करते हैं। देखिए ऊपर देखिए भाई देखिए कैसे चढ़े हुए हैं और इधर देखिए भाई टान रहे। देखिए और इधर देखिए दोस्तों मैं नवादा के साइड आ चुका हूँ और इधर देखिए इस तरीके का जो इलेक्ट्रिक पोल है वो लगाया जा रहा है। देखिए वहाँ तक लगाया जा रहा है और इधर देखिए अभी स्लीपर्स भी पूरा लगा नहीं है, स्लीपर्स कुछ कुछ जगह पे लगा है और कुछ कुछ जगह पे पटरी भी लगा है, पटरी भी पूरा लगा नहीं है। और इधर देखिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ पटेल नगर के साइड में और देखिए यहाँ से आपको पटरी बिछा हुआ देखने को मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ भी पटेल नगर के साइड भी पटरी बिछ चुका है। सो दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पर और यहाँ का आप काम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक साइड का देखिए पटरी लग चुका है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 का देखिए पटरी लग चुका है लेकिन पूरा अभी तक नहीं लगा है, अभी यहीं तक लगा है। देखिए यहीं तक लगा है, अभी छाई रोड तक नहीं लगा पूरा। और ये दूसरा जो ट्रैक बन रहा है इस पर भी अभी पटरी नहीं बिछा है। और दोस्तों एक चीज़ मेरे से अगले वीडियो में बोलने में मिस्टेक हो गया था कि ये जो मैंने 3 ट्रैक बोला था लेकिन ये 3 ट्रैक नहीं, टोटल 4 ट्रैक बनने वाला है। एक ट्रैक पुराना वाला और 3 ट्रैक नया वाला बनेगा। 2 ट्रैक देखिए आपको दिख रहा होगा, एक ट्रैक और बनेगा, ये जो आप देख रहे हैं ये बीच में जगह खाली है इस पर भी एक ट्रैक और बनेगा, यानी कि टोटल 4 ट्रैक बनने वाला है। सो दोस्तों यही था मेरा न्यू अपडेट नवादा डबल लाइन का। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को और भी लोग देख पाएँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सह।